Hello friends, my name is Shreyan Jaiswal and today we will discuss about what is lathe machine. So first we will discuss what is lathe machine. A lathe is a machine tool that rotates a workpiece about an axis of rotation to perform various operations such as cutting, sanding, knurling, drilling, deformation, facing, and turning, with tools that are applied to the workpiece to create an object with symmetry about that axis. तो आप समझते हैं लेथ मशीन का डायग्राम और लेथ मशीन की वर्किंग। तो लेथ मशीन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसकी पूरी पहले समझा देता हूँ लेबलिंग। तो क्या क्या चीज़ है, ये जो नीचे दो दिख रहे हैं आपको, ये लेग्स हैं। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ये लेथ बेड है, जिसके ऊपर जो भी मटेरियल जो कट के निकलता है वो इसके ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है, और जितने भी पार्ट्स हैं लेग्स को छोड़ के वो सब इसके ऊपर टिके हुए रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये क्या चीज होती है। ये होता है हेड स्टोक, जो इस साइड में होता है, या अगर उल्टी रखी हो तो इधर भी हो सकता है। तो एक तरफ हेड स्टोक होता है। हेड स्टोक में क्या चीज होती है, हेड स्टोक में होती है, इससे जुड़ा हुआ रहती है पुली। हेड स्टोक में पुली जुड़ी हुई रहती है, तो ये यहाँ पे पुली हेड स्टोक से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना। अब उससे हेड स्टोक के आगे क्या रहता है, चक, इसको बोलते हैं चक, है ना। अब उसके बाद इसके ऊपर दो जॉ लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जॉ। अब जॉ में आप क्या कर सकते हैं, जॉ को ऊपर नीचे कर अपन उसमें जॉब को फंसा सकते हैं। जॉब मतलब क्या होता है, वर्क पीस। समझ लीजिए कि ये चौक है, तो ये इस पर अपन को वर्किंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जॉब है उसको उठाएंगे, ऐसा करेंगे और फिर टाइट कर देंगे, तो यहाँ पर चिपक अटक जाएगी मतलब। फिर उसके बाद इधर साइड में होता है टेल स्टोक। टेल स्टोक बेसिकली ज़्यादा काम में नहीं आता है, पर अगर कोई बड़ी सी रॉड हो तो यहाँ पे लग जाती है। मतलब ये क्या चीज़ है, ये है मतलब टेल स्टोक में अगर आपको कोई से भी जॉब पे अगर आपको यहाँ से काटना है उसको, तो ये टेल स्टोक से आप काट सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हर चीज़ करता है, उसका नाम है टूल पोस्ट। तो ये होता है इतना इतना टूल पोस्ट। टूल पोस्ट से क्या होता है, टूल पोस्ट के ऊपर वो लगा रहता है कटिंग टूल। तो ये जो रॉड, ये जो जॉब रहता है वो चक चक घूमता है, चक कैसा रोटेट करता है, ऐसा 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 रोटेट करता है चक। और ये कटिंग टूल अपन उसके खसका कर उसके पास लेके आएंगे, ये ऐसी वो रहती है, उस पर हैंडल लगा रहता है कुछ इस प्रकार का। तो इससे आप घुमा के उसके उसके पास लेके आओगे और ये घूमते रहेगा तो वो कटते जाएगा। अब ये कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, करीबन 6 से 7 प्रकार के कटिंग टूल होते हैं। जिस तरीके का आपको वर्क करना होता है उस तरीके का आप कटिंग टूल यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो ये इसको जो टिका के रखती है टूल पोस्ट को, उसको बोलते हैं लेड स्क्रू। लेड स्क्रू से वो आगे या पीछे घूम सकता है, लेड स्क्रू के ऊपर ही वो घूमता है। अब लेड स्क्रू के बाद है फीड रॉड। फीड रॉड क्या होता है, ये फीड रॉड से दोनों चिपके रहते हैं, टेल स्टोक, हेड स्टोक और कटिंग टूल, ठीक है ना। तो ये था लेथ मशीन, पूरा लेथ मशीन का डायग्राम।